गगन में होती जैसे तारों की झिलमिल। ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल। आज का विचार, छोटा सा परिवार खुशियों का अंबार। साथियों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में 25 राज्य हैं, लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले बड़े राज्यों का बंटवारा करके 3 छोटे नए राज्य बनाए गए हैं। हाँ, और अच्छा बताओ, आप क्या बता सकते हैं कि कौन से 3 नए राज्यों का गठन हुआ है और किन राज्यों का बंटवारा हुआ है? हाँ। बताओ। अच्छा, कौन बताएगा? भैया मैं बताऊं? एक नया राज्य है उत्तरांचल, और ये उत्तर प्रदेश में से निर्मित हुआ है। शाबाश! अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। बिल्कुल सही भाई, वाह। देखा मनीष जी, आपने साक्षरता का असर, हमारे नव साक्षर लोग कितने जागरूक हो चुके हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा राधा तुमने। देखो, अपने नए वयस्क साथियों का उत्साह और जिज्ञासा देखकर तो सच में मन में बहुत ही खुशी होती है। सही बात। अच्छा भाई, देखो अब एक और राज्य रह गया है जिसका नाम आपको बताना है। हाँ, तो कौन बताएगा? भैया मैं बताऊं? तुम बताओ। झारखंड? क्या ये बिहार में? ठीक से याद नहीं आ रहा। तुम्हें बिल्कुल ठीक ढंग से मालूम होना चाहिए। अरे आए दिन आजकल के समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से जो है ये झारखंड का नाम आता ही रहता है। वैसे तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही था। अच्छा, अब कौन बताएगा कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश कौन से हैं और उसमें से एक राज्य अपने क्षेत्रफल के लिए बड़ा है? दीदी मैं बताऊं, क्षेत्रफल के लिए मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अरे वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। सच में आज राधा, ये देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे सारे नवसाक्षर साथी एकदम तैयारी के साथ आए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मनीष जी अब ये बताओ, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। अरे भाई, एक एक करके बोला करो ना, एकदम से बोलते हो तो मछली बाजार सा लगता है। हाँ ये तो बात है। अच्छा खैर, आप लोगों को ये तो पता ही होगा ना, जिस तरह से आजकल की आबादी बढ़ रही है, ऐसी बढ़ती हुई आबादी में कितनी सारी परेशानियां होती है ना। यू बात तो मानी हुई है जी, अब यू जनसंख्या ही सब बीमारी इनकी जड़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ की बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हमारे देश में हर साल 1,70,00,000 लोग और जुड़ जाते हैं। अब कर लो विकास, क्या करोगे देश का? 1.5 करोड़ से ऊपर बंदों के लिए पता है कितना अनाज चाहिए, कितने कपड़े और कितने स्कूल और ना जाने कितने ही अस्पताल। अरे भैया, ये तो वही बात हो गई, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बोलो भैया, कैसे सपरे? एक बात तो मैं जानू जी के अपने बाल बच्चन की शादी छुटपन में कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के गांव में मतलब हर आदमी को शादी ब्याह की इतनी जल्दी लगी रहती है कि जहां उसके बच्चे 15-16 साल के हुए, उसे यूं लगने लगता है कि लो जी अब तो कर दो इनके ब्याहवारात की तैयारी। हाँ, लेकिन तुम भी औरों की तरह तैयारी मत करने लग जाना। जी कहाँ दीदी, कोई रंगीन आया भी तो। मैंने सब सोच रखी है पहले से। सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करनी है, उसके बाद में अपना कुछ काम धंधा जमाना है, मतलब कुछ धनवन तो चाहिए ब्याह शादी के लिए, उसके बाद में होती रहेगी शादी। और ऐसा होते हो 25-26 साल की उम्र तो हो ही जानी है। देखा राधा, हमारे आजकल के किशोरों की सोच कहाँ जा रही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ के लोगों को, मतलब आजकल के बच्चों को टीवी, रेडियो और पत्रिकाओं से इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। हाँ, हाँ। जितनी कि हमारे समय के 15-16 साल के बच्चों को भी नहीं मिलती थी। बिल्कुल ठीक बात। आजकल के 5-6 साल के बच्चे जान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा था कि इनकी संभावनाएं आसमान से भी ऊंची है। बिल्कुल। लेकिन कोई बता सकता है कि कौन नाप सकता है आसमान की ऊंचाई को? है कोई जो माप सकता हो? अरे वो देखो, आचार्य जी आ गए। आइए आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया, हमारे इस केंद्र में आपका स्वागत है जी। बैठिए बैठिए। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप बहस किस विषय के ऊपर कर रहे थे? मैं बताऊं आचार्य जी, सवाल है जनसंख्या विस्फोट का।
पर मुझे ये बात समझ में ना आवे कि इस जनसंख्या की समस्या से हम भारतवासी ही क्यों जूझे हैं। नहीं बेटे, भारतवर्ष ही ऐसा देश नहीं है जहां पर जनसंख्या की समस्या है। और भी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, और भी बहुत से देश हैं जो जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे हैं। ये आचार्य जी, ये जनसंख्या को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, पर कुछ ऐसे उपाय बताइएगा जो कि तुरंत किए जाएं, और कुछ ऐसे भी जो कि लंबे समय तक चलने वाले हों। बेटे, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आचार्य जी, मेरा नाम है सुबोध और मैं 7वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। देवी और सज्जनों, हमारा देश गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा है, और गरीबी को जड़ से उखाड़ने का जो सबसे कारगर उपाय है वो है शिक्षा का प्रचार और प्रसार। माफ करें आचार्य जी, अब आप ही बतावें, क्या पढ़े लिखो के बच्चे ना हुए हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके यहाँ भी संतान होती है, लेकिन उनका एक सिद्धांत होता है, और वो सिद्धांत होता है कि हम दो हमारे दो। लेकिन हमारे जो आज के युवक है ना, उन्होंने तो नया सिद्धांत दे दिया है, हम दो हमारा एक। देखो जी, गामन में तो अजीब सी ओढ़ चल रही है। अब देखो, कलुआ के तो 5 छोरा छोरी हैं, और हरिया के 7 छोरा छोरी, और लियो जी सुनो, ननुआ ने वाने तो पूरी की पूरी फुटबॉल की टीम भी बना दी। भाई कमाल है। आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं, उनके पति या पत्नियां कोई पढ़ा लिखा है? यू बात तो सही है, ये सवरे के सवरे हैं, अंगूठा छेप, पढ़ाई लिखाई में एकदम गुल। और तो और काका, इनमें से एक भी ऐसा ना कि यहाँ आके दस्तखत करना सीख ले। अरे, उनके बाल बच्चे हैं और इतने हैं कि उनकी नाक में दम करते रहवे, अब वो यहाँ आए तो कैसे आवे? आप लोग इस बात को मानते हैं कि अशिक्षा ही गरीबी की जड़ है? देखिए दोस्तों, जहां पर गरीबी होती है, समझ लीजिए वहां अशिक्षा के कारण है वो, और वहां पर चोरी, चकारी, लूटपाट और बीमारियां, घरों में झगड़े, आपसी कलह, ये सारे दुर्गुण आ जाते हैं। आचार्य जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, जैसे थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो जाने से या थोड़ा पढ़ लिख लेने से गरीबी कैसे दूर हो सकती है? तुम्हारी शंका बिल्कुल वाजिब है, लेकिन पढ़ने लिखने से मनुष्य की सोच में बदलाव आता है। जब वो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा सोचेगा, जैसे समाचार पत्र पढ़ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, तो उसकी सोच में परिवर्तन आता है और अच्छे समाज में बैठने की कोशिश करता है, अपने भले बुरे के बारे में सोचता है, आमदनी को कैसे बढ़ाऊं इसके बारे में सोचता है, और किस तरह से अपनी तरक्की को आगे बढ़ाऊं उसके बारे में सोचता है। देखिए, सरकार ने कितनी सारी रोजगार की योजनाएं चला रखी हैं, जब आदमी पढ़ लिख जाएगा तो उन योजनाओं का फायदा उठाएगा, और अगर पढ़े लिखेगा नहीं तो उनका फायदा नहीं उठा पाएगा। और हाँ, कोई पढ़ा लिखा आदमी उसको ठगने की कोशिश भी नहीं करेगा। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, वो ये कि मान लिए एक व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन है और उसके 4 बच्चे हैं, तो जब उसको जमीन बांटनी पड़ेगी तो हर एक के हिस्से में कितनी आएगी मालूम है? हर एक के हिस्से में आएगी 2.5 बीघा। मैं समझ गया आचार्य जी। आचार्य जी, एक छोटी सी और प्रार्थना थी। ये हमारी तीजा भाई है ना, तो इन्होंने जनसंख्या विस्फोट के ऊपर एक कविता तैयार कर रखी है, तो ये सोच रही थी आपको पढ़ के सुनाए यहाँ पे। सुना रहे? अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक कविता लिखी है, सुरसा का मुख, और वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आबादी बढ़ती जावेगी तो आफत करती जावेगी, लंबी लाइन राशन की, बात खोखली भाषण की, मिट्टी के तेल की लाइन भी देखो आज कितनी बड़ी, कैसी मुसीबत आन पड़ी, सब्जी महंगी, चीनी महंगी, गैस रसोई भी महंगी, बिजली गायब, नल भी सूखे, बोलो कैसे रहे प्यासे भूखे, हर जगह मची अफरा तफरी, बसे भरी, रेलगाड़ी भरी, कभी तेल तो कभी बिजली गायब, आज चक्की में भी भीड़ बड़ी, अफरा तफरी दफ्तर में, सब उलझे कागज पत्तर में, सुरसा का मुख ये आबादी, लाती है सबकी बर्बादी, जब दाल रोटी के लाले पड़े तो प्रगति खाक हो पावेगी, वो खेती क्या बढ़ पावेगी, जिसे बाढ़ ही जदी खा जावेगी।
भाई वाह, तुमने बहुत ही बढ़िया कविता सुनाई है। आबादी वाकई सुरसा का मुख है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आचार्य जी, अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे ये सुरसा का मुख, मतलब कि जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, उसको रोका जा सके। राधा, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। आचार्य जी से बढ़कर भला हमारा मार्गदर्शन और कौन कर सकता है। देवी और सज्जनों, देखिए, जनसंख्या को नियंत्रित करना कोई आसान बात नहीं है, आज की सबसे जटिल समस्या है। और ये रोटी कपड़ा मकान केवल इन्हीं से जुड़ी नहीं है, ये और बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके साथ इनका सीधा संबंध है, जैसे बिजली, पानी, स्कूल, पार्क, खेल के मैदान, यातायात के साधन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ इसका संबंध है। श्रीमान जी, यू बात तो तुम्हारी मान लई कि ये सबरी बातें आबादी से जुड़ी हुई हैं, पर आप हमें ये बताओ कि ये आबादी को रोके कैसे। अब ये देखो, जवान जवान बच्चे हैं, शादी ब्याह भी आए दिन रह रहे हैं, और जब शादी ब्याह होंगे तो भैया बाल बच्चे तो होंगे ही। हमें आने वाली मुसीबतों से कैसे बचना है इसके बारे में सोचना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को इस बारे में सोचना है कि हम इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएं, यानी आबादी को बढ़ने से कैसे रोकें। यो बात तो आचार्य जी, हर आदमी और हर औरतन को समझनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और चाहे वो किसी ही जाति का क्यों ना हो। अब आप तो जानो ही हो कि यो कपड़ा लत्ता तो सभी को लगे है, और किसी को कम लगे है किसी को ज्यादा लगे है। पर आचार्य जी, अगर आबादी यूं ही अंधाधुंध बढ़ती जाएगी तो यो सब चीजें कहां से आवेंगी। जब आबादी बढ़ेगी तो ये सब जरूरत की चीजें भी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों नहीं, लेकिन हाँ उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की आबादी बढ़ती है। अब देखो ना, हमारे कन्हाई गांव की आबादी 5,000 है, अगर ये बढ़कर 10,000 हो जाए तो दुगनी हो जाएगी, और इसके लिए हमें जगह भी दुगनी चाहिए। तो बताओ क्या ऐसा संभव है कि एक कन्हाई गांव की जगह दो कन्हाई गांव बनाए जा सके, और इतने साधन कहां से आएंगे, और उसके लिए इतनी सारी जगह भी चाहिए। अरे दीदी, ये बात तो हमने कभी सोची नहीं थी। चलो अब तो समझ गए ना, मुख्य बात यह है कि जब जागो तभी सवेरा। मैंने आपको बताया था कि आज हमारे केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर साहिब आने वाली हैं, जो हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताएंगी। बैठिए, आपका स्वागत है। भाइयों और बहनों, जो भी यहाँ पे बालिक स्त्री पुरुष है, उन्हें अपने मन में ये पक्का इरादा कर लेना है कि वो अपने परिवार में कुछ ऐसे उपाय अपनाए जिनसे परिवार में अनचाहे बच्चे न आ पाए। इसके लिए एक बात जरूरी है कि लड़की की उम्र शादी के समय 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी जरूरी है, और ये तो कानूनी मान ली गई है। जो इनका पालन नहीं करता उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है, और यहाँ तक कि सजा भी हो सकती है।
इसीलिए एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो यह है कि जब पहली बार महिला माँ बनती है तो उसकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 साल से कम उम्र की महिलाएं माँ बनने योग्य नहीं होती। जो 20 साल से कम उम्र में महिलाएं माँ बनती हैं, उनके बच्चे प्राय कमज़ोर व अपाइज पैदा होते हैं। अपाइज, अपाइज समझते हैं ना आप, जैसे कि लंगड़े, लूले, बहरे, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके हृदय में एक या दो छेद होता है, और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके तालू ही नहीं बन पाते। डॉक्टर बहन, हम अपने परिवार को छोटा कैसे रखें? ये तो आपने मेरे से बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम अपने परिवार को छोटा कैसे बना सकते हैं। अरे उसके लिए तो सरकार ने इतने उपाय ढूंढे हुए हैं, आप उनको अपनाओ तो देखिए। जैसे कि सहेली, मालाडी की गोलियाँ, इतनी चीज़ें चलाई हुई हैं, और ये तो आपके गांव के स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त मिल जाती हैं, मुफ्त। पर डॉक्टर साहब, ये गोलियाँ कैसी होवे हैं? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये गोलियाँ कैसी होती हैं। मैं अपने साथ ये गोलियाँ लेके आई हूँ और मैं दिखाती हूँ ये गोलियाँ कैसी होती हैं। ये हमारे पास है, ये है मालाडी की गोलियाँ, क्योंकि इस तरह की होती हैं। और ये हैं सहेली गोलियाँ, जो कि इस तरह की होती हैं। डॉक्टर बहन, इन गोलियों के खाने से कोई नुकसान तो नहीं? इन गोलियों को खाने से कोई नुकसान नहीं होता, इसके और भी उपाय हैं, जैसे कोपट्टी वगैरह। डॉक्टर साहब, आपने तो औरतों के लिए सब उपाय बता दिए, कुछ उपाय हम मर्दों के लिए भी है? जिस तरह महिलाएं मालाडी का उपयोग कर सकती हैं, इसी तरह पुरुषों के लिए है निरोध। इन साधनों का प्रयोग करने से आपको एक जानलेवा बीमारी एड्स, उससे भी छुट्टी मिल जाती है। आज हम एक बहुत ही मजेदार तमाशा देखेंगे। अरे सुसरे, घर का सामान? अरे पूरे गांव का सामान है, घर का बता दिए। चुप कर, पैसे देना। अरे ले, पैसे देना। बाबू मान ले, बाबू। अरे चुप कर, ले 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 ले। अरे तू चुप करो, अरे चुप करो, मेरा खून पी रहे हो। ले ये ले जा चार अन्य, हैं इन्हें सारे बालकों को ले जा, और खूब चीज खवा गया, खूब जा इसके साथ जाओ, चलो चलो। अरे घर के पास में फोड़ो ये, चलो जाओ। राकड़कू सह के घर आ। अरे कौन है भाई? वाह फड़कू भाई, फड़कू आ जा भाई, जा खड़ी हो के दो कप चाय बना के ला दे, भाई आ गया, चल खड़ी हो। चली जा फड़कू। और फड़कू के हाल से तेरा भाई? भाई हाल तो ठीक से। और सुना बाल बच्चे का के हाल से? भाई भगवान की देन है, वास्ता है भाई, भाई छोटी सी फुलवाड़ी है, 11 बाल आ गए भाई। हाँ बहुत छोटी भाई, बहुत छोटी। तू सुना तेरे क्या हाल है? ठीक से, भगवान की दया चल रही है। और भाई कितना आ रहा है? हाँ इससे काम तो मैं तेरे धोरे आया था, मैं आ रहा हूँ सेंटर ते। सेंटर भाई कौन से सेंटर ते? अरे मेरे यार जोर से बोल दे। अरे कोई सुन, बहुत ना सुन रही, कोई ना सुन रहा, परिवार नियोजन वाले है ना, उड़ा तैयार है मैं इब्बा। अरे तो सिद्दीक है भाई, नसबंदी वालों के धोरे गया था। हाँ भाई भाई, तो मैंने क्या बता रहा है? बता रहा है तेरी करवानी है। देखे भाई सुन ले मेरी बात, दिखे यो काम नहीं करवाऊ भाई बिल्कुल भी। दिखे साला हो जाएगा, तने गाड़ दूंगा जमीन में, बस तेर तक कह दी मैंने, तू भी मारेगा बहु नहीं मारेगा। तेरा कौन सा काम है मुझे भाषण दे रहा है? ठीक सा, वो सब भगवान की देन थी, पर ई भी तो अकल लगानी पड़ेगी। मतलब तेरी भगवान की देन है भाई मेरी? ओ भाई दोनों आगे बालक भगवान की देन से, फिर पर भाई ई बता अकल ते काम लेना पड़ेगा के नहीं भाई, सोचना पड़ेगा। तू मेरी बात सुन, मेरी गल्ला सेंटर चाल,
आधे घंटे का काम से बस, और कुछ नुकसान भी नहीं होता इससे। अच्छा? हाँ, मैं करवा के आ रहा, देख ले तेरे सामने बैठा ही मैं, धक्के चुत नजर आ रहा। अरे बालकों की माँ, भाई सुनिए, अरे पाठा के चल दे आई, कितने ठाएगी बिचारी, यू के कह रहा है फड़कू। बहू मैं फड़कू ने ले जा रहा हूँ सेंटर पर, अब बता देना। यू कह रहा है वे आ रहे हैं परिवार कल्याण वाले। अच्छा। यू बालक होने बंद करने के लिए मैंने लेके जा रहा है वहाँ। वैसे तो ठीक कहे ये। चल चल जीती रहा, देखा तेर ते ज्यादा आकल वाली तो बहुत है, एक काम कर चल, बस बहुत हो लिया। अरे तू काम कर, मैं नहीं जा रहा, चलना पड़ेगा। अरे बालक ने होने है भाई, दो चार दिन में मैं नहीं जा रहा भाई। खड़ा हो ले। अरे क्या कर रहा है तू, खड़ा हो ले बस। भाई सुन, ले अरे ले भाई, बालक आ गया एक और। तो भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आज आपने बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया होगा कि छोटा परिवार रखने में सभी का कल्याण है। छोटा सा परिवार, खुशी का अंबार। छोटा घर और छोटा आंगनवा, छोटा घर और छोटा आंगनवा, खेले घर में दो ही ललनवा। छोटा घर और छोटा आंगनवा, छोटा घर और छोटा आंगनवा, खेले घर में दो ही ललनवा। छोटा घर और छोटा आंगनवा, छोटा घर और छोटा आंगनवा। तुम जो चाहो सुख पाना, तुम जो चाहो सुख पाना, काहे भूलो लालिन शनिवा, काहे भूलो लालिन शनिवा। देख पाओ पसारो सजनिया, देख पाओ पसारो सजनिया, जितनी तोहरी होवे चदरिया। छोटा घर और छोटा आंगनवा, छोटा घर और छोटा आंगनवा, खेल घर में दो ही ललनवा। छोटा घर और छोटा आंगनवा, छोटा घर और छोटा आंगनवा। चाहो दिन आबादी बढ़ती जाए, दिन आबादी बढ़ती जाए, वहाँ पे मूरख ना घबराए, वहाँ पे मूरख ना घबराए। लोग शिक्षित रहे दुनिया में, लोग शिक्षित रहे दुनिया में, मानो मानो हमरा कहनवा। छोटा घर और छोटा आंगनवा, छोटा घर और छोटा आंगनवा, खेल घर में दो ही ललनवा। छोटा घर और छोटा आंगनवा। हाँ तो भाइयों, आज हम जो है अपने मनोरंजन के लिए सारे गांव वाले मिलकर एक अंताक्षरी गाएंगे। रामू काका हो जाओ, खड़ा हो जाओ बस भाई। वाह बहुत बढ़िया रामू भैया, ऐसो है हंसी हो तो मत ना, मनोरंजन होना चाहिए। तो लो सुनो गानो, गीत सुनो, देशभक्ति को है ना।
हैरी जहां की प्री सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत के बात सुनाता हूँ बस भैया वो गाना छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी देखो सब मेरे साथ गाएंगे हाँ गाएंगे गाएंगे भैया तू भी गाएगी जो भी गाएगी और सब गाएंगे चलो ने भी तो नहीं गाया भी हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन ओ होंगे है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन कदम से कदम मिला के एक एक कर एक दीप से तेरो दीप पक जलते हैं नील गगन में होती जैसे तारों की झिलमिल